मन की आवाज प्रतिज्ञा इज बैक विद इट्स सेकेंड सीजन आफ्टर 9 years. द शो हैज बीन लॉन्च्ड ऑन स्टार भारत. द शो फीचर्स अरहान एंड पूजा रिप्राइजिंग देयर रोल ऑफ कृष्णा एंड प्रतिज्ञा, व्हाइल अनुपम श्याम वंस अगेन इज सीन एज सज्जन सिंह. On Monday, the makers of the show hosted the first episode screening of the TV serial. The star cast of Ye Rishta Kya Kehlata Hai and Anupama were also present at the screening. During the media interaction, here's what the lead cast said. और लोग भी अच्छा मनोरंजन देखना चाहते हैं, तो काफी enthusiasm है हमें इस शो से, उम्मीद भी बहुत. एंड सर, सच कहूं तो मजा आ गया आपको दोबारा से टीवी पे देखकर. एंड किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? दो बजे रात को यार फोन आ जाता है, मैं फोन अवॉइड नहीं करता. इतने फोन आते हैं तो खुद ही अपना स्क्रीन प्ले सुनाने लगते हैं. तो अच्छा लग रहा है. यस, हम तो थिएटर वाले आदमी है यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, भारतीय नाटक आदमी लखनऊ से हैं, तो ऐसा कुछ दिमाग नहीं खराब होता, बस किया चल. एंड सर, स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य सर कैसा है आपका? आपकी अभी यार 64 में हूं और डायबिटीज हो गई 22 साल की उम्र में. उसके बाद तो फिर संभालते सारा हाथ से निकल गया. डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन तब भी रंगमंच और अभिनय हम जैसे एक्टर को फाइटर बनाता है. लड़ते हैं, आपको कहीं नहीं लगा होगा देखते हुए कि कहीं तबीयत खराब ना. एक्चुअली सर, मेरा सवाल ये था कि कहीं हमने आपको जो स्क्रीन पे देखा, जब आप आए हैं, समझिए स्क्रीन पे सर जादू था सर. आप लोगों की कृपा है यार, कि हमें कहीं से भी लगा सर कि आप जो है ना कहीं से, मतलब कि आपका स्वास्थ्य, मतलब आपका ठीक नहीं है या आपकी तबीयत खराब है, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो नहीं, मैं दिमाग में नहीं पालता कि मेरी तबीयत खराब है. हिम्मत है तो ये नाभि का जोर लगना जरूरी है. नाभि का वहाँ जब आपकी इंटेंसिटी कायम है तो फिर आप तो बुरी तरह लड़के भी परफॉर्म करेंगे. बिल्कुल सर. एंड इसी के साथ में सर हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके शो, ये पहले वाले से भी अच्छा रहे, सुपर रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग भी जितना बहुत पब्लिसिटी हो सके करते हैं कि देखो, देखते तो हैं लोग. आप कहने से और भी होगा कि नहीं, ये बंदा है, जर्नलिस्ट है, ये बोला तो कुछ तो है. जो नहीं देखे तो सब हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने जिंदगी में फिल्म नहीं देखी उसने मेरा सीरियल देखा. और इसने हमारे जो पर्ल हैं, पर्ल ग्रे राइटर प्रोड्यूसर, और हमारे साथ जितने को एक्टर्स, उन सबका भरपूर कोऑपरेशन मिला है और ये एक अच्छा शो निकल के आ गया, बड़ा शो आ गया. अब देखते हैं, इट गो अहेड. एंड सर, इसी के साथ में क्या रिएक्शन था आपका जब आपको बताया गया कि सीजन 2 शुरू कर रहे हैं? नहीं, हमसे तो बोला, कॉल का फोन आया कि प्रतिज्ञा 2 करेंगे, हमका दौड़ के करेंगे. और इट्स गुड कि जब आप काम करते रहोगे ना तो आपकी सेहत सही रहेगी. तो आई एम वर्किंग, आई एम परफॉर्मिंग, और अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. और पॉजिटिविटी तो हमारी ऑडियंस हमको देगी. तो आप देखते रहिए, सोमवार से शुक्रवार मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2 मिलते हैं. नमस्कार. सिटी बहुत ज़्यादा थी कि इस बार क्या स्टोरी रहने वाली है, मोर देन एनीथिंग, क्योंकि सीजन 2 है, प्रतिज्ञा है, तो ऑब्वियसली हमारा ही शो होने वाला था. लेकिन स्टोरी क्या थी और अभी इस बार क्या नया होने वाला है शो के ना, तो वो क्यूरियोसिटी थी. और जब हमें वो नरेशन मिला, वी गॉट द नरेशन टुगेदर, राइट? सो जब नरेशन मिला तो फिर तो कुछ सोचना ही था. इट वाज मतलब वो जो नरेशन था और जो भी स्टोरी हमें पता चली, इट्स अमेजिंग. तो कुछ पॉइंट ही नहीं था ऐसा कि हम उसके बारे में दोबारा भी सोचें. पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम थिंग, कोई सवाल नहीं था इस शो को हाँ के अलावा कुछ और भी कहने के लिए. कॉल में हमने जब कॉल किया तो इट डिडंट टेक मी मोर देन अ सेकंड टू से यस टू हर. बस ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब हमें स्टोरी में क्या है ये जानने को मिले, कि इस बार क्या है.
एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली एज ही सेड व्हेन वी गॉट द नरेशन इट वाज वी आर ब्लोन बिकॉज इट जेन्युइनली इज अभी तो आपने सिर्फ एक एपिसोड देखा है आगे की स्टोरी इतनी रिलेटेबल है इतनी रेलेवेंट है आज के टाइम से कि हर घर में ये बात होगी कि ये जो हुआ है कैसे क्यों किसका क्या पक्ष मतलब इट्स गोइंग टू बी अ टॉप इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द फैमिलीज मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 विल फॉलो द लाइफ ऑफ अ वुमन हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी